अभी तो पटना हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह लोकहित याचिका दाखिल हुई है। इंतज़ार करना चाहिए क्या निर्णय आता है। देखिए, कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, लेकिन जनता का फैसला आ चुका है और जनता इस पक्ष में नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों की जान को खतरे में डालकर अपराधियों को जेल से रिहा किया जाए। और जो हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने मांग किया था, हमने मांग जरूर किया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया जाए। और ये जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आम और खास के अंतर को ख़त्म कर दिया, तो सरकारी कर्मचारी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, आम आदमी को तो लड़ने का अधिकार है। सरकारी कर्मचारी को प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, आम आदमी को तो नहीं देना पड़ता है। सरकारी दफ्तर में अगर घुसकर कोई बाधा पैदा करता सरकारी काम में, तो धारा 353 IPC के तहत उसकी गिरफ्तारी होती है। परंतु ऐसा कोई प्रावधान किसी दूसरे प्राइवेट दफ्तर में घुसकर अगर बाधा पैदा करे, तो ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत अगर कोई सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो मुकदमा चलाने के पहले उसके वरीय अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसा कोई मामला दूसरे सामान्य नागरिक के लिए तो नहीं है। तो ये तो सरकारी सेवा के दौरान कर्तव्यों का निर्वाह करते समय उस पर अगर कोई हमला करता है, तो उसे बचाव के लिए प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है, बिहार भारतीय जनता पार्टी या देश भारतीय जनता पार्टी किसी अपराधी का समर्थक नहीं हो सकता। अपराधी का खिलाफ करेंगे और अपराधी के विरुद्ध ही रहेंगे, यह स्पष्ट है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं जेल मैनुअल के सक्षम प्रावधान के तहत राज्य सरकार के परिहार बोर्ड ने विधि सम्मत आनंद मोहन सहित विभिन्न कैदियों की रिहाई की है, जिन्होंने सजा की अवधि काट लिया। आम और खास जो अंबेडकर जी का संविधान है, उसके तहत उसकी दूरी को ख़त्म किया है। अभी माननीय न्यायपालिका का प्रक्षेत्र है, न्यायपालिका इस पर विचार करे, लेकिन राज्य सरकार ने जो भी किया है वो विधि सम्मत किया और राज्य सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। हाई कोर्ट में सुनवाई की बात आ रही थी, लेकिन इसी बीच ये सुप्रीम कोर्ट मामला गया और अब इसको एक्सेप्ट कर दिया गया। ये तो भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सुनने का अधिकार प्राप्त है ना, तो ऐसी स्थिति में इसके कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है, इसका विधायी अर्थ न्यायिक अर्थ है। और न्यायिक अर्थ में महत्वपूर्ण है कि सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और हम लोगों ने जो किया विधि सम्मत, बाकी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पर विचार करना है।